देखो, लियो मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो में हम उस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का ये है कि हम इस वीडियो में लियो मूवी के एंड के बारे में बात करने वाले हैं। क्या जो है थालापति विजय का कैरेक्टर जो है लोकेश कनकराज के सिनेमेटिक यूनिवर्स में क्या सेट हो चुका है, और इस मूवी का एंड कैसा था, इस मूवी की जो कहानी थी और पूरी मूवी में जो डेवलप किया गया है वो कैसा होने वाला है। हम मानते हैं कि इस मूवी से आप जो एक्सपेक्टेशन लगा रखे थे उससे खरी नहीं उतरी है, लेकिन फिर भी हम कुछ फैक्ट हैं इस मूवी के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप मत करें, क्योंकि हम सबको जानना था कि इससे पहले लोकेश कनकराज की जो कि कैथी और विक्रम आई हुई मूवी है, क्या उस मूवी से इस मूवी की कहानी कनेक्ट होती है, ये हम सबको जानना था। जब से ट्रेलर और टीजर पोस्टर आया हुआ था हर जगह यही न्यूज फैली थी कि ये मूवी भी लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाली है। और इस मूवी के लास्ट के कुछ सीन्स हैं और कुछ जो है इस मूवी में एडिट सीन है वो जो दिखाया गया है कि ये मूवी भी कनेक्ट करती है कि नहीं कनेक्ट करती है, कुछ ऐसे सिंबल्स दिखाए गए हैं जो मूवी में काफी अच्छे से समझ आता है कि हाँ ये विक्रम मूवी से ही कनेक्ट है। और देखो, विजय का एक जो कैरेक्टर है पार्थिक वर्ण, वो एक सीधी सादी सी लाइफ अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा है। वहीं एक दूसरा कैरेक्टर है विजय का जो कि वो लियो दास करके है। अब उसने अपनी पिछली जिंदगी में क्या खिचड़ी पकाई है और दोनों की शक्ल सेम टू सेम एक दूसरे से मिलती है, तो उनके जो विलन्स थे और उनकी जो फैमिली थी जो कि हारण दास एंटोनी दास उनके फैमिली मेंबर थे, अब वो जो है पार्थिव वर्ण को देखने के बाद उनको ये रियलाइज हो रहा है कि यही लियो दास है। और इस पूरी मूवी में यही एक कहानी के पीछे डेवलप होती है कि आखिर पार्थिव वर्ण ही लियो है या लियो ही पार्थिव वर्ण है, इसमें पूरी कहानी बनी हुई है। तो इस पूरी कहानी में सबको यही जानना होता है कि आखिर पार्थिव वर्ण लियो कैसे हो सकता है और लियो जो है पार्थिव वर्ण कैसे बन गया, इतना खतरनाक जो कि उसका पिछली स्टोरी में था वो अब कैसे हुआ। और वहीं बात करें इस मूवी में जो विलन का रोल निभा रहे हैं, देखो इस मूवी का विलन फाइनल नहीं है कौन है, लियो दास एंटोनी दास हारल दास सारे एक ही फैमिली मेंबर हैं, इसका कौन कैसा विलन है एक तय किया हुआ विलन इस मूवी में नहीं है। लेकिन वही बात करें संजय दत्त का जो इस मूवी में रोल है हारल दास करके विजय ने जो रोल निभाया है उस वो रोल काफी कम है इस मूवी में। सीधा सीधा पूरा फोकस किया गया है विजय के ऊपर, क्योंकि इस मूवी को सिनेमेटिक यूनिवर्स में लेके जाना है तो उन्होंने सारा का सारा फोकस विजय पे किया। लेकिन बात करें संजय दत्त का, देखो इस मूवी की कहानी जो है वो संजय दत्त पे फिट बहुत कम होती है, संजय दत्त का कैरेक्टर बीच में ही मार दिया जाता है। अगर आपको हिंदी इंडस्ट्री में और मार्केटिंग करनी थी तो संजय दत्त का कैरेक्टर थोड़ा सा और खींचना चाहिए था मुझे लगता। देखो हारण दास का कैरेक्टर लास्ट तक लेके गया है, संजय दत्त का कैरेक्टर उन्होंने बीच में मार दिया। अब ये उल्टा कर सकते थे कि हारण दास का कैरेक्टर संजय दत्त के कैरेक्टर पे खत्म कर सकते थे और संजय दत्त को कंटिन्यू कर सकते थे, तो मूवी में थोड़ा सा और अच्छा ट्विस्ट बन सकता था, हिंदी इंडस्ट्री में मूवी अच्छा बिजनेस और कर सकती थी, जो कि इस टाइम हिंदी इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत टाइट है। देखो कहानी की बात करें तो इस मूवी की कहानी जो है एक लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स में फिट हो रही है और विजय का कैरेक्टर जो है लोकी में सेट हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन देखो इस मूवी से हम जितनी एक्सपेक्ट लगाए हुए थे कि मूवी की कहानी कितनी अच्छी होगी, उतना तो मतलब ठीक ठाक है इस मूवी में, उतनी बुरी भी नहीं है और एकदम अच्छी नहीं है कि हम जो एकदम नेक्स्ट लेवल तक इस मूवी को मानने वाले थे, तो उतनी ज़्यादा नहीं है। हिंदी इंडस्ट्री में भी उतनी कमाई नहीं कर रही है, क्योंकि एक संजय दत्त का कैरेक्टर जो था वो इसको आप अच्छे से अच्छा इसमें दिखा सकते थे, लेकिन ठीक है जितना भी दिखाया वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें में एक प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन एक माइनस पॉइंट बहुत ज़्यादा है जो कि हिंदी इंडस्ट्री का बिजनेस कम करने का सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि विजय की डबिंग। देखो हिंदी डबिंग जो है विजय की वो काफ़ी मतलब थर्ड क्वालिटी उसको कह सकते हो, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग जो किया है वो अभिषेक कृष्णा ने किया है, जो कि आपने इससे पहले उनको कपिल शर्मा के शो में भी देखा रहा होगा, तो उन्होंने इस मूवी की हिंदी डबिंग की है। और हिंदी डबिंग मतलब मेरे को पर्सनली थिएटर में देख के एक्टिंग और बाकी चीज़ें तो ठीक हैं अच्छी हैं, वो स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये जो है हिंदी डबिंग थोड़ी सी अच्छी और हो सकती थी इस मूवी की, ये एक है माइनस पॉइंट इस मूवी का जो हम कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल मूवी देखने में काफ़ी अच्छी है, अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो एक बार देखेंगे, क्योंकि आपने अगर इससे पहले कैथी और विक्रम देख रखी हो तो इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी उस मूवर्स में कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है आपको इस मूवी को देख के ही पता चलेगा, क्योंकि मूवी आप
आधी मूवी छोड़ के अगर आप आ सकते हो कि ये मूवी की कहानी मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस मूवी की लास्ट की कहानी आप समझ नहीं पाओगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या ये मूवी लोकी यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि लास्ट में जो कहानी डेवलप होती है उससे पता चलता है कि आखिर पार्थिव वन ही लियो है या नहीं है, वहाँ बाद में रिवील होता है। ये हम इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे, ये चीज़ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। या तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, क्योंकि हम फुल रिव्यू इस मूवी का करने वाले हैं, तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा।